कतर के पास नेचुरल गैस और ऑयल डिस्कवर हुआ तो कतर के पास पैसा आया और इनके किंग थे हमद बिन खलीफा अल थानी। उन्होंने सऊदी की छत्रछाया को छोड़ा और एक इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह काम करना चालू किया, अपनी सिक्योरिटी वगैरह खुद संभालनी शुरू की। अब ये बात सऊदी को पसंद तो नहीं आ रही थी, लेकिन कतर ने धीरे धीरे अपनी सिक्योरिटी वगैरह बढ़ाना चालू किया। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बाहर से कॉन्ट्रैक्ट पे अपनी सिक्योरिटी मेंटेन कराना चालू की। फिर आगे चल के इन्होंने यूएस के साथ डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट किया और यूएस को कतर ने एयरबेस बनाने के लिए इन्वाइट किया। और जब इनवाइट किया तो यूएस ने कतर के अंदर अल उदीद एयरबेस बनाया, जो कि आगे चल के 10,000 से ज्यादा यूएस ट्रूप जो थे उनका रहने का ठिकाना बना। कतर के जो आसपास के देश थे उनको भी ये सब चीजें पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन यूएस का पूरा हाथ था कतर पे। इनफैक्ट आज भी कतर यूएस का टॉप नॉन नेटो अलाय है, और उस टाइम पे यूएस जो था उसके भी सऊदी से इतने अच्छे रिश्ते नहीं थे, लेकिन जब कतर ने यूएस को अपना एयरबेस दिया था तो यूएस की लॉयल्टी भी जीती थी।